जरूरी है। यह है मैनेस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं मैनेस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। शहबाज सरकार ने खुद ही करवाए थे सैन्य ठिकानों पर हमले। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने बताया क्या था इसका मकसद। पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान की 9 मई को गिरफ्तारी और उसके बाद हुए उपद्रव से उठा सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच पाकिस्तान सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को सौंपी गई एक रिपोर्ट ने शहबाज शरीफ की अगुवाई वाली सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इमरान की गिरफ्तारी के बाद कुछ सैन्य ठिकानों पर हमले सरकार के कहने पर किए गए थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि गृह मंत्रालय के इशारे पर तोड़फोड़ और सैन्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए खाफिया ब्यूरो ने सरकार समर्थकों को भड़काया था। आईबी सरकार के अधीन आता है। इस प्रकार से भड़काने का मकसद इमरान की पाकिस्तानी तहरीक ए इंसाफ पीटीआई को सेना का शत्रु बना देना था। यह रिपोर्ट मिलिट्री इंटेलिजेंस ने तैयार की है। इस बारे में एनर्जी सिक्योरिटी स्कॉलर सहित अफरीदी ने बताया है कि इमरान को सत्ता से बेदखल करने के बाद से ही पीएमएल नेता और पूर्व पीएम नवाज शरीफ की टीम पीटीआई इमरान पर पाबंदी लगाने का अवसर तलाश रही थी। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की मीटिंग में भी नवाज की टीम ने पीटीआई पर बैन लगाने के लिए सहमति बनाने का प्रयास किया था, मगर सरकार की सहयोगी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल ने इसका विरोध किया। नवाज के करीबी और सरकार के दूसरे सबसे कदावर मंत्री गृह मंत्री राणा सनाउल्ला तो चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, इमरान को कई दफा धमका चुके हैं। इस इंटरव्यू में तो राणा ने यहां तक कह दिया था कि इमरान देश की राजनीति को आज ऐसे मोड़ पर लाते हैं जहां हमसे किसी एक ही अस्तित्व में रह सकता है। यदि बात हमारे अस्तित्व पर आई तो ऐसा कोई भी कदम उठाने से नहीं चुकेंगे जो लोकतांत्रिक हो या ना हो। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पूरब के बाद अब पश्चिमी देशों में भी दमकेगा नए भारत का सूर्य। अमेरिका ने नाटो प्लस में शामिल करने की सिफारिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले अमेरिकी कांग्रेस की एक शक्तिशाली समिति ने भारत को नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन प्लस में शामिल करने की सिफारिश करके दुनिया को चौंका दिया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत साउथ ईस्ट एशिया से लेकर यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया देशों व गल्फ कंट्री में अपनी छवि की ब्रांडिंग कर चुका है। इस प्रकार पूरब के साथ ही साथ अब पश्चिमी देशों में भी नए भारत का सूर्य उम्मीद की किरण बनकर दमक रहा है। शायद यही वजह है अमेरिका भी भारत को नाटो का हिस्सा बनाना चाहती है। क्या है नाटो प्लस? नाटो प्लस एक सुरक्षा व्यवस्था है जो नाटो और 5 गठबंधन राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया को वैश्विक रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए साथ लाती है। भारत को इसमें शामिल करने से इन देशों के बीच खुफिया जानकारी निर्बाध तरीके से साझा हो पाएगी और भारत की बिना किसी समय अंतराल के आधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी तक पहुंच बन पाएगी। अमेरिका और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी CCP के बीच सामरिक प्रतिस्पर्धा संबंधी सदन की चयन समिति ने भारत को शामिल कर नाटो प्लस को मजबूत बनाने समेत ताइवान की प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए एक नीति प्रस्ताव पारित कर दिया। इस समिति की अगुवाई अध्यक्ष माइक गालागर और रैंकिंग सदस्य राजा कृष्णमूर्ति ने की। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जिनके संसद आने पर रोक लग गई वे बहिष्कार करते हैं तो अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर हमला। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर केंद्र और विपक्ष में घमासान जारी है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने शनिवार यानी 27 मई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला किया। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन बाद लोकतंत्र में नया संसद भवन देश को देने का काम करेंगे। वो अलग बात है, कुछ लोगों के संसद आने पर रोक लग गई है। कभी वे सदन न चलाने के बहाने ढूंढते थे, आज वे बहिष्कार करते हैं तो वही अपमानित करने का काम भी करते हैं। दरअसल मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। विपक्षी दलों की क्या मांग है? नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह की 21 दलों ने बहिष्कार की घोषणा की है। इसमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र,
कड़गम। जनता दल यूनाइटेड, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, झारखंड मुक्ति मोर्चा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, केरल कांग्रेस यानी मनी, रिवोल्यूशनरी स्पेशलिस्ट पार्टी, विथुथलाई चिरुथिगल काटुची, मारुम मलार्ची, द्रविड़ मुनेत्र, कड़गम और राष्ट्रीय लोकदल ने संयुक्त रूप से बहिष्कार का ऐलान किया। वही भारत राष्ट्र समिति और AIM ने भी कार्यक्रम में आने से मना किया है। इन दलों की मांग है कि नई संसद की उद्घाटन पीएम मोदी की बजाय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए। ऐसा नहीं करके सरकार लोकतंत्र पर हमला कर रही है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टाग्राम, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।